नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ। एक बिन की कंपनी है जो डस्टबिन वगैरह इन ट्रेडिंग का काम करता है। इनका जो है कंपनी का नाम देख सकते हैं, RR ट्रेडिंग कंपनी। ये इनका जो है इन बोर्ड की इमेज है और ये जो है हार्डवेयर चौक के पास पड़ता है। मैं आपको जो है एक बार बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ये हार्डवेयर चौक है, हार्डवेयर चौक से ये रोड अभी नहीं रेडी हो रही है। सीधा यहाँ से 500 मीटर भी नहीं है और इनकी जो है कंपनी है RR ट्रेडिंग कंपनी। चलिए अब डायरेक्ट ऑनर से बात करते हैं अंदर चल के। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी। जी जी, तो सर आप आज आपकी यहाँ हार्डवेयर चौक पे आया था तो सोचा आपसे मिलते चलूँ और सोचा कि सर आपसे बात करके एक वीडियो भी डाल देते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं। तो थोड़ा आपको जानना चाहूँगा सर, किस टाइप का काम रहता है आपका और क्या क्या आप बनाते हो, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, थोड़ा एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना एक बार दे दीजिए सर। सर हमारा प्लास्टिक शीट्स का, प्लास्टिक क्रेट्स का, प्लास्टिक के डस्टबिन का, रॉड्स का, बिन्स का, सब चीज़ का काम है। बहुत बढ़िया। कंपनी का नाम बताइएगा सर एक बार सबसे पहले। RR ट्रेडिंग कंपनी। RR ट्रेडिंग कंपनी है। बहुत बढ़िया सर। तो प्लास्टिक के जो आपके क्रेट्स रहते हैं, क्रेट्स में पार्टीशंस होते हैं, लोग अपने कंपोनेंट्स रखते हैं, पार्ट्स रखते हैं, उन सब के लिए पार्टीशंस का काम भी हम करके देते हैं। प्लास्टिक की जो शीट्स रहती हैं, शीट्स जैसे कंपनीज में यूज होती हैं, वो शीट्स हम प्रोवाइड करते हैं। पीपी की प्रोवाइड करते हैं, नायलॉन प्रोवाइड करते हैं, सब टाइप की शीट्स प्रोवाइड करते हैं, रॉड्स प्रोवाइड करते हैं, प्लास्टिक की रॉड्स जिनमें कंपोनेंट बनते हैं, जिनमें आपकी ग्राइंडिंग होती है, उन सब चीज़ के लिए नायलॉन की रॉड है, HD की रॉड है, PP की रॉड है, हर तरह की रॉड हमारे पास मिल जाती है, मिल जाती है। उसके अलावा पैकिंग का जो मटेरियल है, बबल के रोल है, आपका फोम हो गई है ना, और स्ट्रेच फिल्म होती है, टेप होती है, ये सारा मटेरियल हमारे पास रहता है जो मटेरियल पैकिंग में। बहुत बढ़िया सर। तो सर कब से काम चल रहा है आपका, कब से स्टार्ट किया आपने काम ये आपने? सर ये काम तो हमारा काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, लगभग 15 से 20 साल हो गए इस काम को हमारे को करते हुए इस में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो अभी सर आप और फादर आप दोनों इस बिजनेस को आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे अभी आप जो आपके जो प्रोडक्ट हैं ये फरीदाबाद आप कर ही रहे हैं, फरीदाबाद दिल्ली NCR भी आप कर रहे हैं? फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मानेसर, आपका इधर त्रिखला हो गया, पलवल हो गया, पलवल के आगे होडल हो गया, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सारी जगह मटीरियल हमारा सप्लाई जा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे इन क्षेत्र से कोई कस्टमर व्यूअर्स देखता है और उसको अच्छा लगता है तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं, और कैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा वगैरह है अपने पास पूरी? ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, गाड़ी अरेंज हो जाती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कहाँ जाना है, कितना मटेरियल है, छोटा मटेरियल है, बड़ा मटेरियल है, बहुत बढ़िया। और सर जो जो यहाँ व्यूवर्स हैं वो आपसे अगर परचेज करना चाहेंगे तो क्या मतलब टर्म कंडीशन क्या रहती है, पेमेंट की कैसे आप करते हैं? 100% सर कैश पेमेंट भी हो जाती है, बैंक ट्रांसफर भी ले लेते हैं, चेक भी हो जाता है, कोई इशू नहीं रहता। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर सर जो क्लाइंट है वो तो विजिट करते हैं तब देख के ही लेते हैं। विजिट करते हैं, एक दो बारी पहले बार में विजिट करना पड़ता है, जिनको साइज़ का पता रहता है कि भाई क्या साइज़ है, कॉल पे भी बात कर लेते हैं कि भाई ये साइज़ हमारी रिक्वायरमेंट है, इस साइज़ का वो पेमेंट करवा देते हैं, हम मटेरियल डिस्पैच कर देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बार दिखाएंगे क्या क्या आपके पास है एक बार अपनी। जी सर, ये क्या है सर जो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ? सर ये क्रेट्स है। अच्छा अच्छा, ये सर इसी साइज़ की आती है? अलग साइज आता है, ये थोड़ा छोटा साइज है इससे। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग वाला साइज कौन सा सर? सबसे बेसिक साइज सर ये है, मिनिमम साइज आता है वही आता है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका ये वाला आ गया। इसमें भी अलग अलग हाइट के ऑप्शन आ जाते हैं, ये छोटी हाइट है, ये बड़ी हाइट है, ठीक है ना, फिर इससे बड़ा साइज आ जाता है, जैसे ये आ जाता है, ठीक है ना, ये और ये सेम साइज है। ये सारे फैक्ट्री में यूज़ होते हैं आपके सर? जी सर, इंडस्ट्रियल पर्पस की आइटम है सर, ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, और इसमें बड़ा साइज भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया सर, पर इसकी रिक्वायरमेंट सर। ठीक है सर, इसके बाद एक ये साइज आता है, ये और नेक्स्ट बड़ा साइज। अच्छा, इसमें भी अलग अलग हाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं सर। जो दूध वाले होते हैं जो अमूल से दूध रखते हैं यही यूज़ करते हैं? वो भी मिल जाते हैं। वो अलग है या ये अलग रहते हैं? ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जो नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो अलग है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या सर अपने पास? इसी में अगर आप देखें तो इसमें जाली का भी ऑप्शन मिल जाता है। जाली का भी ऑप्शन मिल जाता है, बहुत बढ़िया सर। है ना, ऐसे जाली भी रहती है, ये सॉलिड बॉडी में भी रहता है, जाली दोनों में है, एक आपके पास जाली में भी है और एक जो है सॉलिड बॉडी जिसको चाहिए वो सॉलिड बॉडी में भी
ले सकता है। नेक्स्ट आइटम क्या रहेगा सर अपना? डस्टबिन है हमारे पास, डस्टबिन है ये वाली ना सर। ये सर हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल सब जगह यूज़ होती है, बहुत बढ़िया सर, घर में भी यूज़ करते हैं ये वाला जो है, घर में भी यूज़ करते हैं। प्राइस ही बताना चाहेंगे सर, क्या प्राइस रहता है अगर आप बताना चाहें सर? साइज़ के हिसाब से सर, आइटम का अलग अलग साइज़ के हिसाब से। अगर ये राउंड में है, हाँ राउंड में इससे छोटा साइज़ भी आता है, बड़ा साइज़ भी आता है राउंड में। अच्छा, कुछ अगर बताना चाहें, एक आइडिया देना चाहें व्यूअर्स को हमारे? सर ये लगभग ये 950 रुपये का ये वाला रहता है। अच्छा, सिंगल पीस सर? एक पीस प्लस GST, प्लस GST एक्स्ट्रा रहती है। अगर कोई बल्क में लेता है उसके लिए सर डिस्काउंट हो जाएगा? अच्छा, ये वाला है ये 1600 रुपये का एक पीस है। 1600 रुपये का एक पीस, GST अलग रहती है। ये क्या है सर? ये भी डस्टबिन, डस्टबिन है। ये कितने का पड़ता है सर? ऐसे है डोमेस्टिक यूज़ का ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, जो निकल के इसमें से। ठीक है सर, अगली आइटम सर बताइएगा। ये डस्टबिन होगी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अगली आइटम दिखाइएगा। बैलेट्स, पैलेट्स का होता है सर कि मटेरियल स्टोर करने के लिए, जैसे वेयर हाउस में हो गया या स्टोरेज के लिए हो गया। अच्छा, तो इस पर रख के मटेरियल लोग, कभी नीचे कभी पानी आ जाता है, कुछ और दिक्कत होती है, तो मटेरियल फर्श पे नहीं रहते, इसके ऊपर रहेगा, तो खराब नहीं। बहुत बढ़िया सर। सर इसमें क्या है कि आपके फोकलिफ्ट भी लग जाते हैं। अच्छा, फोकलिफ्ट से उठा के ज़्यादा वेट सकती है आपने इसके ऊपर। हाँ, फोकलिफ्ट से उठा के आप उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले। ठीक है, नेक्स्ट आइटम सर बताइएगा। उसके बाद सर ये डस्टबिन भी है, छोटे डस्टबिन हैं जो, छोटे डस्टबिन है ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये बबल रोल हो गया, रैप, बबल रैप, हाँ ये तो पैकिंग के लिए काम आते हैं ना सर, पैकिंग के काम आते हैं, बहुत बढ़िया सर। अगला कुछ क्या है सर अपने पास? उसके बाद सर ये शीट है, ये सन पैक की शीट्स होती है, कॉर्नेटेड शीट्स होती है। अच्छा, ये पैकिंग में ही काम आती है सर? पैकिंग में भी काम आती है, ये पार्टीशन में भी काम आती है। किसी ने अब अपने किसी वर्क स्टेशन में पार्टीशन बनानी है तो बीच में ले जाकर शीट से पार्टीशन बन जाती है। ठीक है सर, फ्लोरिंग में काम आती है, फ्लोरिंग पर रख दी तो। जी जी, और आगे सर ये सारी वही डस्टबिन क्रेट्स में, अलग अलग मॉडल हैं, छोटे बड़े साइज हैं, जाली वाले होते हैं, क्लोज बॉडी में होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद इधर आपके बिन्स आ जाते हैं। बिल्स बोले तो सर, ये बिन्स होते हैं टूल रखने के लिए। अच्छा, टूल्स, नट बोल्ट रख दिए, टूल्स रख दिए जैसे, तो उसके पर्पज़ के लिए बिन्स होते हैं। इसमें भी काफ़ी अलग अलग साइज आते हैं, छोटे साइज हैं, बड़े साइज हैं, अलग अलग तरह के। उसके बाद आगे ये रॉड्स हैं सर, ये प्लास्टिक रॉड्स हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना, इसमें मशीन में फिक्स करके इसमें बुश बन जाते हैं, अलग कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हर टाइप के, अलग प्लास्टिक के अलग रॉड होते हैं। ये क्या है सर? ये भी रॉड्स ही हैं, रॉड्स हैं, अलग अलग काफ़ी अलग वैरायटी है। काफ़ी आपके पास काफ़ी मतलब आइटम रखे हैं आपने, अलग अलग वैरायटी के ना सर? वो अलग प्लास्टिक का, हर प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अलग होती है, अलग पर्पस यूज अलग होता है। ठीक है सर, अलग अलग टाइप की रॉड रखी जाती है। ये सर GST डॉक्यूमेंट है सर आपका? हमारी GST की डिटेल है। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों GST की इनकी डिटेल है ना, सर ने लगा रखी है, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों ये सर का कार्ड है, RR ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर सर ने दे रखा है 0129420236655। एड्रेस आप देख सकते हैं, शॉप नंबर 92 हार्डवेयर चौक मार्केट NIT फरीदाबाद 11001। और सर कोई अपना कांटेक्ट नंबर भी आप देना चाहेंगे? मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, हाँ बता दीजिए एक बार। मोबाइल नंबर है 8585860301 02। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं अगर उनको अच्छा लगेगा तो उम्मीद करता हूँ वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर मिलकर ही काम होता है। जी 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 जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करूँगा सर आपको यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिले, हमारे व्यूअर्स को अच्छा प्रोडक्ट मिले, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ दोबारा शूट करेंगे सर। तब तक के लिए सर धन्यवाद सर।